हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन अफगानसुर। लेट्स वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर टू। ओके, बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट मोनेरा, अंडरस्टैंड। और मोनेरा में हमने दो क्लासिफिकेशन देखे थे बेटा। मोनेरा में मेनली क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। ओके, तो उनके सारे फीचर्स आपको रिमाइंड रखने हैं, यू बैक्टीरिया एंड एरेकी बैक्टीरिया, उनके बारे में आपको प्रॉपरली सारे फीचर्स लर्न करने हैं एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर द नोट्स। देखिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप नीट वगैरह कुछ भी देना चाहते हो तो आपको प्रॉपरली एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड। चलिए आज हमारा जो सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है या विटेकर्स क्लासिफिकेशन का जो सेकंड किंगडम है, दैट इज नोन एज प्रोटिस्टा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले कुछ जनरल फीचर्स की बात करते हैं, देन वी हैव डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स। ओके, तो जनरल फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए जैसे हम आगे की ओर मूव करेंगे, ओके, एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी और न्यू फीचर्स की एडिशन होती चली जाएगी। ओके, जैसे मोनेरा में आपने देखा था 2000 प्रोकैरियोट्स, ओके, बट यहाँ पे बात करें तो ये कैसे है, यूकैरियोट्स है। अब यूकैरियोट्स नाम के साथ ही बहुत सारे फीचर्स का इसमें एडिशन हो गया, अंडरस्टैंड। जैसे उसमें आपने देखा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड, और जो ऑर्गेनल्स थे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स दे आर एब्सेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे वो तीनों ही चीज क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे। यानी यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का मतलब आपको क्लियरली पता है कि एक तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, ओके, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, अंडरस्टैंड। फिर बात करें फोटोसिंथेटिक, तो देखिए अगर यूनिसेलुलर है तो उसका भी हमने देखा था कि वो भी कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, इट मीन्स देयर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। ओके, फोटोसिंथेटिक है, ओके, हमने उसमें देखा था कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ्स भी थे, फोटोसिंथेटिक थे, चाहे वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे, अंडरस्टैंड। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि वो फोटोसिंथेटिक तो थे, साथ में हेटरोट्रॉफ्स भी थे मोस्टली। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं, सिर्फ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, मेनली मोस्टली जो प्रोटिस्टा है दे कम अंडर द फोटोसिंथेटिक कैटेगरी, इट मीन दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द रॉ मटीरियल्स। ओके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने अगर मोनेरा की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दे रिप्रोड्यूस मेनली थ्रू एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बट कुछ कंडीशन में जब डीएनए का ट्रांसफर होता है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, यानी सेक्सुअल का मतलब है यहाँ पे फ्यूजन भी होता है गैमेट्स का, ठीक है, अंडरस्टैंड, यानी गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन भी होता है। ओके, तो ये और सीलिया और फ्लैजिला, उसमें हमने बात की थी मे बी द सिंगल सीलिया फ्लैजिला इज प्रेजेंट फॉर द मोशन और मूवमेंट, बट यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा आपको मिल गया कि सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और फ्लैजिला की जब हम बात करेंगे तो कुछ में हम देखेंगे मोर देन वन फ्लैजिला यानी टू फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द टाइप्स। इस प्रोटिस्टा को हमने जो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है 2005, ओके, सबसे पहले क्रायोसोफाइट्स, द नाइटल डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो फाइव क्लासेस में हम कह सकते हैं या सब ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया, क्रायोसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। इस वीडियो में हम स्पेशली टू की बात करेंगे, वन इज क्रायोसोफाइट्स एंड अनदर इज डिनोफ्लैजिलेट्स, बचे हुए तीन का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए क्रायोसोफाइट्स देखिए बेटा, इनको डायटम्स डायटम्स डैसमिड्स या गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम पिगमेंट्स दे आर अपीयर लाइक गोल्डन इन कलर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज। तो सबसे पहले क्रायोसोफाइट्स का जो कॉमन नेम है आपको याद करना है, विच वन, दे आर ऑल्सो नोन एज जैसमिड्स, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। इज दैट क्लियर? तो क्रायोसोफाइट्स के कॉमन नेम आपको लर्न होने चाहिए। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल विच आर डूइंग फोटोसिंथेसिस एंड विच एक्ट एज ए फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी फूड की फॉर्मेशन होती है, तो उसके जो मेन प्रोड्यूसर्स है वो कौन है, क्रायोसोफाइट्स है। इनको हम प्लैंकटॉन्स भी कह सकते हैं, यू नो कि जब एक्वेटिक फूड चेन आपने डिस्कस की होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्लांकटॉन्स, देन जू प्लांकटॉन्स। तो प्लांकटॉन्स कौन से आते हैं, वही जो प्लांट्स हैं इससे रिलेटेड, जो भी मतलब प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सी में, दोज आर नोन एज। तो सबसे पहले तो क्रायोसोफाइट्स का आपको कॉमन नेम याद करना है, डायटम, डैसमिड एंड गोल्डन एल्गी। इज दैट क्लियर?
प्लैंकटॉन्स भी बोल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ओके, आगे अगर डिस्कस करें कुछ जनरल फीचर्स में, तो देखिए हैबिटेट लाइक प्रोटिस्टा में है कि कुछ मैरीन है कुछ फ्रेश वाटर है, तो सेम चीज यहाँ पे होती है कि जो क्रैसोफाइट्स है वो मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। मैरीन वाटर यानी साल्टी वाटर, सी वाटर में भी रह सकते हैं, और फ्रेश वाटर यानी रिवर लेक वगैरह में भी रह सकते हैं। ओके, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं सेल वॉल। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट बी लर्न दिस, इनकी जो सेल वॉल फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स एंड दोज आर अरेंज्ड लाइक ए सॉफ्ट बॉक्स। यानी इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें दो थिन ओवरलैपिंग लेयर्स होती है। ओके, दो ओवरलैपिंग लेयर्स होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनकी जो सेल वॉल होती है इनके बीच में सिलिका एम्बेडेड होती है। क्या एम्बेडेड होती है? सिलिका, अंडरस्टैंड। इससे जो सेल वॉल है वो काफी हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, अंडरस्टैंड, जो सर्वाइवल में भी हेल्प करता है, काफी हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। समटाइम देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई किस वजह से वो हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, या डाइट है उसकी सेल वॉल में कौन सा एलिमेंट एम्बेडेड होता है, इज दैट क्लियर? तो वो कौन सा? दैट इज सिलिका। और सिलिका के प्रेजेंस की वजह से जो सेल वॉल है वो कैसे हो जाती है? इनडिस्ट्रक्टिबल, इट मीन्स वी कैन नॉट डिस्ट्रक्ट दम, उनको जल्दी से या इजिली आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए इनकी जो सेल वॉल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ सिलिका एम्बेडेड होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इससे क्या होता है, अब जैसे इनकी डेथ होती है, इनकी डायटम्स की डेथ होने के बाद इनकी जो कवरिंग है यानी जो सेल वॉल है, तो उसके बहुत सारे डिपोजिशंस, बिकॉज सेल वॉल तो वहीं पे रहेगी, जहां पे मरेंगे वहीं पे उनका शरीर रहेगा, तो इससे क्या होता है इनकी जो हार्ड जो लेयर है सेल वॉल उससे बहुत सारे डिपोजिशन हो जाते हैं, और डिपोजिशन से एक हीप बच जाता है, एंड दैट इज नोन एज डाइटोमेसियस अर्थ। वैसे तो आपको नाम से पता लग रहा है डाइटम, डाइटम्स। ओके, तो डाइटम्स या डाइटम्स का दूसरा नाम क्या है? क्रायसोफाइट्स, डेस्मिड्स। तो इनसे इनकी जो सेल वॉल है, इनकी डेथ के बाद जो सेल वॉल के डिपोजिशन से जो एक पूरा हीप बनता है, दैट इज नोन एज डाइटोमेसियस अर्थ। ओके, अब सुनिए, डायटोमेसिस अर्थ जो है, या हम कह सकते हैं जो डिपोजिशन है, दैट इज वेरी ग्रीटी, सैंडी लाइक एंड सिल्की, सो उसका यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है? पॉलिशिंग में, ठीक है, मटेरियल्स को, आइटम्स को पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, अंडरस्टैंड, ऑयल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं, हर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, अब बात करते हैं डीनोफ्लैजिलेट्स। देखिए नाम से पता लग रहा है, डाई या बाई का मतलब जो होता है होता है टू, ठीक है, डाई या बाई वर्ड जहां पे भी आप देखें दैट मीन्स टू, इज दैट क्लियर? तो डीनोफ्लैजिलेट्स यानी यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। ओके, कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं? टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। चलिए पहले हैबिटेट की बात करें, तो देखिए क्रायसोफाइट्स में हमने देखा वो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैरीन वाटर है और फोटोसिंथेटिक है, वेरिएबल कलर्स है। ओके, ये आप स्पेशली डीनोफ्लैजिलेट्स से याद कर सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। अब बहुत सारे कलर्स के क्यों होंगे? तो बहुत सारे कलर्स के इसलिए होंगे क्योंकि उनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है, यानी जो पिगमेंट्स है वेरिएबल कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग को पता है रेड जो एल्गी होते हैं उसमें फाइकोथ्रीन होता है, अंडरस्टैंड, ब्लू ग्रीन होती है उसमें फाइकोसाइनिन होता है, तो इस तरह से अलग अलग पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से इनका कलर वेरिएबल होता है। सेल वॉल इसमें भी होती है, और ये हार्ड सेलुलोज से बनी होती है, जो सेलुलोज से सेल वॉल बनी होती है स्टिफ सेलुलोज से, यानी सेलुलोज के साथ काफी हार्ड सेलुलोज होते हैं, यानी इनकी सेल वॉल भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, बट इन कंपैरिजन टू द डायटम्स इट इज लेस। टू फ्लैजिला, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इट इज मोस्ट पेकुलियर फीचर है, पेकुलियर फीचर यानी किसी भी चीज का नाम आपको पता लग रहा है जिससे, दैट इज नोन एज पेकुलियर फीचर। तो टू फ्लैजिला होते हैं, अब ये टू फ्लैजिला कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। देखिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिजम्स है आपके पास, ठीक है, तो इसमें एक फ्लैजिला तो थ्रू आउट द इसकी बॉडी होगा, ऐसे यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, और एक फ्लैजिला इस तरह से प्रेजेंट होगा जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है, तो दो फ्लैजिला इसमें होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, टू फ्लैजिला ये इसका पेक्यूलियर फीचर है।
उसके बाद एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो है ये, ठीक है भाई। जैसे आपने देखा कि जो क्रायसोफाइट्स है उनका पेक्युलर फीचर क्या है कि डायटेमेसियस सॉल्ट बनाते हैं, उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर सिलिका की एम्बेडेड होती है, सिलिका की डिपोजिशन होती है, दैट्स व्हाई इनकी जो सेल वॉल है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। दूसरा हमने देखा कि चीफ प्रोड्यूसर है वो क्या है, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स है। अब यहाँ पे बात करें तो ये कि इसमें टू फ्लैजेल होते हैं, वन इज ट्रांसवर्स एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडिनल। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो रेड यूनोफ्लैजेलेट्स है, रेड कलर का मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कलर्स होते हैं, रेड येलो ब्राउन ग्रीन, तो इसमें क्या है रेड जो डीनोफ्लैजेलेट्स है जिसका नाम है गोनिया यूलेक्स, ओके एक नाम है गोनिया यूलेक्स, अंडरस्टैंड आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है गोनिया यूलेक्स। तो जब ये बहुत एक्सेसिव ग्रोथ कर जाता है, जब ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ करता है तो उससे क्या होता है ये पॉइजन रिलीज करता है, और उस पॉइजन रिलीज करने से क्या होता है एक तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, प्लस ये जिस पर्टिकुलर ओशन या सी में है तो वहां पे उसको पूरा कवर कर लेता है। पूरा कवर करने से क्या होता है कि वो जो सी है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है, दैट इज नोन एज रेड टाइड्स। इज दैट क्लियर, दैट इज नोन एज रेड टाइड्स। जैसे आपने रेड सी के बारे में सुना होगा तो वहां पे ऐसे ही रेड एल्गी है या फिर डीनोफ्लैजेलेट्स है, इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ है जिसकी वजह से वो रेड कलर्स होते हैं। तो रेड डीनोफ्लैजेलेट्स, देखिए एक एल्गल ब्लू, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पीछे मोनेरा की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था जो यू बैक्टीरिया थे उनमें एल्गल ब्लू में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वो ग्रोथ कर जाते हैं। इज दैट क्लियर, सेम एज यहाँ पे कि रेड डीनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ कर जाते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ जिसमें वो पॉइजन भी रिलीज करते हैं, बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, और प्लस वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो पूरा रेड हो जाता है, दैट इज नोन एज रेड टाइड। इज दैट क्लियर बेटा, तो बाकी तीन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।